मैं जो लोबिया का बीज लगाई थी लॉन्ग बीन्स का, वो ग्रोथ नहीं किया है अभी तक। तो मैं दोबारा से बीज लाई हूँ और थोड़ा कम था बीज, तो देखिए यहाँ पर जो सवेरे सनफ्लावर गिर गया था उसे मैं लगाई थी, लेकिन अभी तक ये कुमला था, तो इसी में बचा हुआ छेद में ये लोबिया का बीज लगाती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं पूनम, आप सबों का मेरे झारखंड किंडो टेरेस गार्डन में फिर एक बार स्वागत करती हूँ। चलिए आज का अपडेट देख लीजिए। देखिए यहाँ का जो टेढ़े आकार का लोबिया था उसे मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ, तो छेद खाली हो गया है सीडलिंग ट्रे, तो उसी में देखिए भिंडी का बीज लगाने वाली हूँ। चलिए मेरे पुराने करेले के प्लांट में कितना करेला लगा हुआ है आज आप सब हमको दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं, जो टेढ़े सॉरी जो बड़े बड़े होते हैं लंबे आकार का करेला है। देखिए कितना सारा लगा हुआ है सभी के सभी। देखिए कुछ दिनों में, जल्द ही मैं आप सब हमको हार्वेस्ट दिखाऊंगी, एक दो दिनों में। अभी तुराई भी बहुत सारा लग रहा है। देखिए कुछ कुछ तो हार्वेस्ट के लायक हो गया है। देखिए तुराई भी देखिए खिलने लग गया है, वो देखिए वहां पर लगा हुआ है करेला भी बहुत सारे हैं। देखिए देखिए साइज इसका। फिलहाल टमाटर यहाँ पे लगा है, लेकिन पेड़ है, लेकिन फूल तो लगा है, लेकिन फ्रूट अभी तक बन नहीं रहा है।